मुनव्वर, बाहरी दुनिया में भी कुछ ऐसे शख्स हैं जो आपको नॉन कमिटल होने का टैग दे रहे हैं, तो चलिए आपको मिलवाई देते हैं उनसे। कैसे हैं आप? बताइए, इतना याद किया आपने कि मुझे जाना पड़ा। आपको याद तो नहीं किया? अच्छा, नहीं किया। मैंने देखा आपने मेरी ब्रेसलेट पहनी हुई थी, तो मुझे लगा शायद याद कर रहे होंगे। नहीं, मैं घर पे बहुत सारी ज्वेलरीज लेकर आया था ना, तो उसमें से। अच्छा, उसमें से याद नहीं रहा होगा, इतने सारे लोगों की ब्रेसलेट्स लिए होंगे। वन ऑफ इट कुड बी मी। आप टॉन्ट कर सकते हो, बट आपने ये बात नहीं की थी कि आप मुझे मिस करेंगे शो में, तो आप ब्रेसलेट पहनेंगे? मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली मैं वो ब्रेसलेट जब लाया हूँ, मुझे पता है कि वो आपका ब्रेसलेट है, और मेरे पास दो तीन चीज़ें ही होती है एज अ ज्वेलरी, तो मैं वो लेकर आया। आप शो में तो रिलेशनशिप में हो, आप कह रहे हो? हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता बाहर इस तरह, यहाँ से शो से, जबकि बाहर इस तरह न्यूज है कि मेरा ब्रेकअप हो चुका है। टू बी वेरी क्लियर एंड प्रिसाइज बिफोर वी एंटर द शो, आप अभी मुझसे कह रहे हैं कि हर रिलेशनशिप में तो ऐसा ही होता है, अच्छे से बात करते हैं। मैंने तो आपसे शुरू होने से पहले ही बोल दिया था कि आपकी अगर गर्लफ्रेंड किसी भी एंगल से इन्वॉल्व है, आप मुझसे दूर रहो। आपने बोला देयर इज नो सॉर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, देयर इज नो वे दैट वी आर इन्वॉल्व, यू एंड हर, तो मैं कैसे आई पिक्चर में? तो आप अगर रिलेशनशिप में नहीं है और किसी को बोल रहे हैं कि आप मेरे साथ रहे, तब आप चीट कर सकते हैं? नहीं, मैं चीट नहीं कर रहा था। तो मतलब जिसको टू टाइमिंग भी नहीं बोलते? शी एक्चुअली लव्ड यू एंड यू नो यू हैव डन हर डर्टी।